दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की मांग पर बिल्कुल सबसे सस्ती सस्ती सफ़ेद दाग वाइट पैचेस लिकोडर्मा की दवा लेकर आया हूँ। पूरा विधिवत बताऊँगा कि क्या करना है, कैसे करना है। खाने की भी दवा होगी और लेप भी लगाने की भी दवा होगी। और आपको क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, उन कुछ चीज़ों को मैं मोटा मोटा बता दूंगा। और बाकी सारी चीज़ें आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में 90 सेट के सभी वीडियो देख लीजिएगा। आपकी समस्या 3 से 6 महीने के अंदर 100% ठीक हो जाएगी। बिल्कुल आप मुझे 3 महीने के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि आप खुद कहेंगे कि क्या आपने दवा बताई। आप एक बार आजमा के देखिए और मेरे बताए हुए नियम को पूरा फॉलो करके देखिए। दोस्तों, पुराने टाइम में जब कोई दवाई नहीं होती थी, तो पुराने ज़माने में सफ़ेद दाग का इलाज करने के लिए कई प्रकार के आयुर्वेदिक लेप लगाए जाते थे। पतंजलि द्वारा प्रस्तुत ये लेप गुणवत्ता युक्त है, बहुत ज़बरदस्त है। सफ़ेद दाग को हटाने की क्रीम है ये। लेप को संपूर्ण आयुर्वेदिक तरीके से तैयार किया गया है, जिससे इस लेप के कारण त्वचा को बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। हर तरह की आपका जो सफ़ेद दाग है शरीर में, पूरी तरह से जड़ से मिट जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि त्वचा के सभी रोगों को दूर कर संपूर्ण आयुर्वेदिक लेप पाक। ये औषधि त्वचा की रंगत को एक समान करने में त्वचा को चमकदार बिल्कुल बना देती है, बिल्कुल ग्लो कर देती है। आपकी त्वचा बिल्कुल सही हो जाएगी। आपको इसको लगातार दिन में सिर्फ 2 बार लगाना होता है और इसके रिजल्ट जो है 1 महीने के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको खुद ही, आप जब इसका उपयोग करेंगे और परहेज करेंगे तो आपको, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ वो दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। पहली नंबर की ये जो दिख रही 2 दवाइयाँ होंगी, एक तो खाने की और दूसरी लगाने की। दोस्तों, सामने जो है वो लगाने की है, दिव्य सूत्रघन लेप। इसको जब आप लगाएंगे तो कौन सी चीज़ों का आपका परहेज करना है। आपको केमिकल युक्त शैम्पू शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी तरह का। आपका डैंड्रफ वाला हो या कोई भी आयुर्वेदिक शैम्पू भी नहीं करना है यूज। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जितने शैम्पू होते हैं उसमें झाग निकलता है और ये जो झाग निकलने वाला केमिकल होता है वो बहुत ही आपके लिए नुकसानदायक होगा, हानिकारक होगा। इसलिए आपको किसी भी तरह का शैम्पू यूज नहीं करना है, बालों को धोने के लिए या अपनी किसी भी कहीं भी लगाने के लिए। उसके बाद साबुन, जैसे आप साबुन का यूज करते हैं आप नहाने के लिए, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी झाग, जो भी झाग देता है जिसमें फेना निकलता है, वो किसी भी तरह का साबुन आपको बॉडी में नहीं उपयोग करना है। कोई भी, चाहे कितना भी वो कहे कि ये केमिकल युक्त नहीं है, आयुर्वेदिक है, लेकिन आपको यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। हाँ, आप फिर सोचें आपकी, तो फिर आप लगाएंगे क्या? तो मैं बता रहा हूँ, आप बेसन का आटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लीजिए और हल्दी मिला लीजिए और सरसों का तेल लीजिए। उससे आप, जैसे उबटन लगाई जाती है, हफ्ते में एक बार उससे कर लीजिए, आपकी जो त्वचा है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, सारी गंदगी ख़त्म हो जाएगी। और ख़ासकर जिन लोगों को सफ़ेद दाग, वाइट पैचेस, लिकोडर्मा है, स्किन से संबंधित समस्या है, उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये हल्दी मिला हुआ उबटन जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, बहुत ज़्यादा ही। आपको और ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे इसका उपयोग करने से। इतना आपको तो करना ही करना है बिल्कुल भी। और आपको किसी भी तरह का डीओ या परफ्यूम नहीं लगाना है। हाँ, किसी भी तरह का परफ्यूम आपको बॉडी में बिल्कुल, जैसे जो लोग सेंट लगाते हैं सुगंधित सेंट, वो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हाँ, अगर आप लगाएंगे तो फिर आपको जो दवाइयाँ आप इतनी मेहनत से कर रहे हैं उपयोग, फिर उसका रिजल्ट 0 भी हो सकता है इन सब चीज़ों का यूज करने से। बहुत सारे लोग होते हैं कि कपड़े में, तो कपड़े में भी नहीं लगाना है। आपको खासकर ध्यान रखना है कि कपड़े हमेशा ढीले पहनने हैं, टाइट वाले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। और खासकर कोशिश कीजिए कि सूती कपड़े पहने, मतलब ढीले पहने तो अच्छा है। और ठंडियों में तो आप ऊलन वाले होते हैं उनको पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको दोस्तों, इसके बाद आपको खाने में कुछ, मैं मोटा मोटा बता रहा दे रहा हूँ, बाकी आप
को मैं प्लेलिस्ट पूरी दे भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियो दे दूंगा, और बाकी आप प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख लें। जैसे आपको मांस, मदिरा, मीट, मछली, अंडा, स्मोकिंग, सिगरेट, गुटखा, मसाला, ये बिल्कुल भूल कर भी एक बार भी नहीं लेना है। हमारे एक सज्जन थे विवर्स, जो बिल्कुल ठीक हो गए और इन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से अपने मित्रों के कहने से उन्होंने शराब का नशा करने लग गए और मीट का सेवन कर लिया, उनके पूरे शरीर में दोबारा फैल गया। तो आपको ये गलती भूल से भी नहीं दोहरानी है, इस चीज़ का आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। इसके बाद नंबर दो पे जो दवाई आ रही है दोस्तों, बाकुची चूर्ण, ये आपको खाना है दिन में 2 बार, सुबह और शाम। दोस्तों ये गरीबों के लिए सबसे सस्ती दवा है, इसकी पूरी मैं कीमत भी बता दे रहा हूँ दोनों की। जो लेप है वो 50 रुपये का आता है और जो बाकुची चूर्ण है वो 30 रुपये का मात्रा है। बहुत सस्ता, इससे सस्ता मार्केट में कोई दवाई नहीं है, पतंजलि ने इसको निकाला हुआ है। तो जो बाकुची चूर्ण है, सुबह 6 ग्राम आप नाप लीजिए किसी भी उससे, 6 ग्राम की मात्रा में, और काला नमक जो आता है, काला नमक मार्केट में काला नमक मिल जाता है, काला नमक, एक चुटकी काला नमक, 6 ग्राम बाकुची चूर्ण, खाली पेट आपको ताजे जल से लेना है। उसके बाद शाम को आपको यही काम करना है, खाना खाने के बाद आपको 6 ग्राम बाकुची चूर्ण, एक चुटकी काला नमक, 2 टाइम आपको ये काम करना है बिल्कुल। आप देखेंगे कि 3 महीने में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे, और अपनी बॉडी पे आपको हफ्ते में जो उबटन, गेहूं का आटा, बेसन और उसमें हल्दी मिला हुआ उबटन बनाकर हफ्ते में एक बार जरूर अच्छे से लगाना है, बहुत ज़बरदस्त फायदे आएंगे आपको। और इनकी बहुत अधिक जानकारी के लिए इसमें भी आपको बहुत सारी, जहाँ भी किसी भी पतंजलि मेडिकल स्टोर पर आप जाएंगे वहाँ भी वो आपको बता देंगे कि आपको कैसे कैसे इसका प्रयोग करना है। तो आपको ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। और खाने के लिए जैसे आप बेसन की ही रोटी प्रयोग कीजिएगा, और गेहूं की आटे की रोटी बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको, मैदा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना, और सफ़ेद नमक नहीं खाना है बिल्कुल भी, भूल कर भी सफ़ेद नमक नहीं खाना है, सफ़ेद चीनी नहीं खानी है। और आपको ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक, ये 3 चीज़ें आप अपने जीवन से आपको हटा लेना है बिल्कुल हमेशा के लिए, आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। मार्केट की कोई टॉफ़ी, बिस्कुट, कोई भी पैक बना हुआ समोसा, ये सब, और रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ शुद्ध सरसों का, कोई भी आपको रिफाइंड ऑयल का उपयोग नहीं करना है खाने में। दोस्तों जब ये आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब जो केमिकल युक्त हैं, पैक्ड चीज़ें हैं, वो बंद कर देंगे, आप खुद देखेंगे 1 महीने में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे सस्ती दवा है जो मैंने बताई है, बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट के अंडर में अपने आप को ठीक करना, तो वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 7751 87 89 16 पर मैसेज करें, आप बिल्कुल 100% ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।